Sher Gill, please come, please join me on stage. The Biwi, Mahi Gill. Okay. The sizzling hot Chitrangada Singh. Can we have you on stage, please? Jonita Gandhi, who has sung this version of the classic song. And of course, Saregama content head, Safiya Ali. No, we definitely want to have you on stage. वैसे भी तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई. Safiya, please come join us. राजू जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, तो आप माइक अपने पास ही रखिए. मैं आपसे जानना चाहती थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट इस फ्रेंचाइज में, साहिब बीवी गैंगस्टर के फ्रेंचाइज में ये लेकर के आए हैं आप. ऐसा क्या हुआ था कि आपने सोचा दैट यू नो दिस थर्ड फ्रेंचाइज शुड बी मेड, तीसरी बार बनना चाहिए कुछ? पहले जो दो मूवीज आई थी, साहिब बीवी 1 एंड साहिब बीवी रिटर्न, आई हर्ड अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज अबाउट इट. जी. एंड देन राहुल जी इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी. ही केम टू मी विद द वी वांट टू मेक साहिब बीवी गैंगस्टर पार्ट 3. जी. एंड ही वांटेड टू टेल मी द स्क्रिप्ट. मैं कैन नॉट वांट टू लिसन द स्क्रिप्ट, जस्ट गो अहेड विद इट. अच्छा, आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस मूवी. क्या बात है. तो मतलब गट इंस्टिंक्ट जो थे वो एकदम क्लियर थे कि बनना ही है. राहुल जी, आपसे भी जानना चाहूंगी मैं कि लग जा गले आज जिस गाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, पर्टिकुलरली इसी गाने को आपने रिक्रिएट करने का क्यों सोचा इस फिल्म के लिए? हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर कमिंग. लग जा गले पहले सेकंड पार्ट में भी था. जी. तिग्वांशु के दिल के बहुत करीब है ये गाना और हम सबको बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी फिल्म का एसेंस है वो इस गाने में एक्ट बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करता है. जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं, बट कहीं ना कहीं दिल में सब एक दूसरे को यही बोल रहे हैं कि यार लग जा गले. सो आई थिंक इट, लेकिन अब वो लगते हैं कि नहीं क्या होता है तो आप फिल्म देखेंगे, बट आई थिंक इट एपिटमाइजेस द एसेंस ऑफ साहिब बीवी और गैंगस्टर, जो क्रेव कर रहे हैं, जो प्यार सब लोग क्रेव कर रहे हैं और वो पाने के लिए जो सब षड्यंत्र रचते हैं. सो एक तो ये था और दूसरा हम बहुत खुश हैं हमारी एसोसिएशन सारेगामा के साथ. बिल्कुल. और इन्होंने हमें गाना दिया यूज करने के लिए फिल्म में भी, और ये जो हमने रिप्राइज वर्जन जो आपने अभी देखा, तो एकदम फिट बैठता है और हम सबको बहुत पसंद है, इसीलिए लग जा गले. क्या बात है, थैंक यू सो मच. एंड इफ दिस इज द एसेंस ऑफ द फिल्म, जैसा आप कह रहे हैं, तो आई एम श्योर सुपर हिट है ऑलरेडी, आपको बता दूं मैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्जन ऑफ द सॉन्ग, इट्स ब्यूटिफुल. तिग्मांशु, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आज गाने नहीं फिल्म के बारे में, लेकिन क्योंकि संजय दत्त आज के इस इवेंट में नहीं आ पाए, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या था कि आपने संजय दत्त को एज अ गैंगस्टर लिया इस फिल्म में? वॉट वॉज इट इन योर हेड? क्या मतलब ऐसा क्या दिमाग में था? बिकॉज क्लियरली अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग शेड्स अब हमें उनके दिखाई दे रहे हैं विद द रीसेंट फिल्म्स जो आ रही हैं उनको लेकर के. साहिब बीवी का एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है. साहिब और बीवी वही रहते हैं और गैंगस्टर बदलता है. पहली वाली में रणदीप था हुडा और दूसरी में इरफान था. और ग्रो कर रही है साहिब बीवी एज ए फ्रेंचाइज, स्केल में भी, कहानी में भी बड़ापन आ रहा है उसमें. बिल्कुल. तो एक जाहिर सी बात है कि गैंगस्टर हमको संजय दत्त से अच्छा कोई मिल नहीं सकता था. प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि फोर्थ में क्या करेंगे. ओह, नाउ दिस इज अ लेवल. या इट हैज टू बी तिग्मांशु, यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म. अगर कोई नहीं रहा तो मैं ही बनूंगा गैंगस्टर. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट. जिमी, आई थिंक हम माइक आप तक पहुंचाएं. आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि इस वीडियो में तो वैसे तीनों जो लेडीज हैं उन्होंने धूम मचा दी है, लेकिन आपकी कोई मेमोरीज हैं विद दिस सॉन्ग? इतने सालों से हम इस गाने को सुनते आ रहे हैं, सो एवरीबॉडी हैज मेमोरीज. तो आई थिंक हम सबकी हैं, लेकिन ये राहुल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो एसेंस है फिल्म का कि लग जा गले, वो इस गाने के थ्रू आ रहा है. बस यही है कि लग जा गले और फिर हाथ में खंजर है पीछे. ओ, तो वो एसेंस है हमारी पिक्चर का. तो आपके गले को ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है फिर इस फिल्म में? ये इन्हीं से पूछ लीजिए जरा गले. बहुत सारे लोग लग रहे हैं इनके गले. ओह माय गॉड. माही, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देयर वाज दिस वन यू नो सीन, वन शॉट जिसमें आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि वो आप सही में रो दी थी इस गाने के शूट के दौरान. ऐसा क्या हुआ था? मुझे अजय ने बोला था कि जो आपका कैरेक्टर है वो थोड़ा, मैं ग्रे और इसलिए मुझे ब्लैक कपड़े पहनाए थे जी. और चित्रांगदा का काफी ब्राइट वो वैसा है, तो आपको रोना और बहुत सैड लगना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स.
तो वो जब सीक्वेंस शूट कर रहे थे रोने का, तो मैं रो लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं, अभी मुझे बोलो रोने को भी रोने लग जाऊंगी तो वो कोई आई नेवर यूज ग्लिसरीन, तो मैं तो ऐसे ही रो लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब सिर्फ घूरते रहो ऐसे देख के, रोना आ जाएगा. अच्छा, ऐसा था या फिर नहीं, कुछ इमोशंस ऐसे थोड़े से? हाँ, मेरे कुछ ऐसी चीजें होती है मेरे बैक ऑफ द माइंड जो मैं याद कर लेती हूँ, फिर मैं जल्दी रो लेती हूँ. ओह गॉड, ओके, दिस इज, ये सही बात कही ना आपने. आपको रुलाए, कब रुलाए? अब छोड़िए, बोले बोले दौरान. वंडरफुल. अभी आप हंसाने वाली हैं सबको, इनको तो स्पेशली जब फिल्म रिलीज होगी और सुपर हिट हो जाएगी तो भूल चूक माफ हो जाएगी यहाँ पर. चित्रांगदा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो इतना खूबसूरत वीडियो बना है ये, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ लविंग अ गैंगस्टर क्या लगा आपको? Best and the worst. Yeah. The best is that he is the good bad guy. Okay. So I think that's always very attractive, isn't it? Jo itna childlike hai wo, I'm talking about Sanju. Absolutely. And at the same time, he can have this bad side of him. So he's like a boy and a man together. So that's interesting. That's a good mix. So that's like the best part of romancing a gangster. Worst part kya hai? Wo milta nahi hai. Usko time nahi hai. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम नहीं है. एंड वी से बाबा इज बैक. बाबा इज बैक. वेयर इज बाबा? वेयर इज बाबा? बट यस, मिलते नहीं. वाओ, दैट वाज वंडरफुल, थैंक यू. जोनिता, ओके, कमिंग टू यू. ओ ग्रेट, ग्रेट, यू डिजर्व इट डेफिनेटली. दोनों से बात, एक से बात कीजिए, एक से गाइए. आई नो कि यू नो आपने ये जो गाना रिक्रिएट किया है, काफी प्रेशर फील हुआ होगा आपको इस गाने को रिक्रिएट करने के पहले, क्योंकि इतना क्लासिक, इतना बड़ा गाना रहा है. थैंकफुली मैं कहना चाहूंगी कि शब्द जो हैं वो वही रखे गए हैं, सो जो भाव है वो गाने का बदला नहीं है. मगर आपका क्या कहना है? आपको भी ऐसा लग रहा था क्या कि ओह माय गॉड, मुझे ये गाना रिक्रिएट करना है, कर पाऊंगी? नहीं, एक्चुअली यस, व्हेन आई फर्स्ट फाउंड आउट आई वाज एक्साइटेड बट आल्सो एक्सट्रीमली नर्वस. दिस सॉन्ग इज क्लोज टू एवरीवनस हार्ट, इट्स आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट. एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एवर टूर्ड with an Indian artist, Sonu Nigam ji. This was the first song I sang on his tour. Oh, really? It opened the entire concert for, I think, 18 concerts in a row. So I love this song very dearly. And when I found out I had to sing it, I was a little stressed. But I want to say thank you, actually, to Rana ji, Rana Mazumdar, who, is he here? He's not here. Okay, he's not here. But he's the one who's reproduced the song and rearranged it. And I think he did an amazing job of keeping the essence of the original, because what Madan Mohan ji and Lata ji have done, nobody can ever Absolutely. Do justice to what they've done. No doubt. And I'm just happy that I was part of something that shows our love. It's a beautiful tribute, I feel, to them. And I'm thankful to the entire team for keeping such a gem in a new film. So. And the feeling is mutual, so don't worry about that. मैं वही कहने वाली थी कि दो लाइनें तो गानी ही पड़ेंगी आपको. या लगे चागले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो. लगे जागले माय गॉड, आई एम स्टिल गेट सो नर्वस टू सिंग दिस सॉन्ग बिकॉज़ इट्स सच अ स्पेशल सॉन्ग टू मी. सो नहीं, मतलब आपके तो यहाँ पर वाइब्रेट करता है कुछ ऐसा, स्प्रिंग रिंग लगा के रखा है आपने, हमसे तो नहीं निकलती ऐसी आवाज. वंडरफुल यार, दिस इज सो गुड, ऑल द बेस्ट यार फॉर दिस सॉन्ग. चित्रांगदा एंड माही शुड आल्सो सिंग अ लाइन ऑफ द सॉन्ग. अब तो करना पड़ेगा. जिमी, ओके, थ्री ऑफ यू टुगेदर. जिमी ने एंड बोथ द लवली गर्ल्स, इन्होंने एक एक्ट तैयार किया स्पेशली आज सबके लिए, तो जो आपके सामने अभी पेशक है, एक स्पेशल एक्ट बाय जिमी एंड बोथ द रैविशिंग ब्यूटीफुल गर्ल्स. स्पेशल डिमांड हो गई है. आई जस्ट वांट टू से दैट जिमी सिंग्स रियली वेल, सो प्लीज आस्क हिम टू सिंग, बिकॉज़ एक इनके वर्जन हो चुका है फीमेल, और एक मेल वॉइस में भी होना चाहिए कुछ, तो वो भी कर लेते हैं, स्पेशल एक्ट भी कर लेते हैं, ये तो बनता है. इन लोगों को अब प्लीज, अब बोलिएगा मत, आप गाइए, आप डायलॉग मत मारिएगा, आप गाइए. इनका रोज का काम है प्रमोशन में, पहले ये भाव खाते हैं.
फिर बोलेंगे जिमी गाएंगे जिमी गाएंगे, फिर जिमी अगर या तो गा भी देगा इतनी गंदी आवाज होगी उसकी, इनकी आवाज अच्छी लगेगी आपको, और अगर नहीं भी गाएगा तो ये होगा कि हम लोग स्पॉट हैं, हम लोग गाएंगे और इसने नहीं गाया, तो हर तरफ से इनकी विन विन सिचुएशन है। तो मैं माथा टेकता हूँ इनको, वो कहता हूँ आइए अगर दो लाइनें सुनाइए, क्योंकि ये हमारा एक गुडविल जेस्चर है। आइए मैम, सब चाहते हैं जिमी की आवाज। कम ऑन कम ऑन, दे 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 जिमी, देखिए सब बोल रहे हैं कि आप गुडविल अभी बन चुका है हमारा, ये फॉर द गुड लक फॉर द फिल्म। ओके जी, साथ में गा रही है, चलिए अब तो गा दीजिए। Wow, this looks wonderful. We have one minute. Jimmy, this is so cheating. This is cheating. This is sport. This game is fine for you guys. The same scale. बहुत अच्छा scale. और loud करो. चलो. नीचे नीचे जॉनिता. नीचे बैठ के गाएंगे इतना scale. Come Jimmy. ये सर ऐसे करेंगे मैं.